बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका नया चैप्टर कॉकरोच स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट का थर्ड चैप्टर है कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखिए। क्लासिफिकेशन, फाइलम आर्थ्रोपोडा। मेन कैरेक्टर क्या होता है इसमें, जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, मतलब खंडयुक्त होती है, और शरीर पर कठोर काइटिनी क्यूटिकल का बाह्य कंकाल पाया जाता है, मतलब काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। और इसका जो देह खंड होता है उस पर देहयुक्त उपांग, मतलब बॉडी सेगमेंट्स के ऊपर अपेंडिजेज, जॉइंटेड अपेंडिजेस पाए जाते हैं, और इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है। ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा के मेन कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा, इसमें बॉडी जो होती है, इसकी बॉडी सिर, वक्ष और उदर में, मतलब हेड, थोरेक्स और एब्डोमिनल में डिवाइडेड होती है। और इसका जो थोरेक्स होता है तीन पार्ट में, और जो इसका एब्डोमिनल पार्ट होता है वो अधिकतम मैक्सिमम 11 सेगमेंट तक पाए जाते हैं। इसके अलावा इंसेक्टा में वर्ग के अंदर एक जोड़ी एंटीना, दो जोड़ी टू पेयर मैक्सिला, एक जोड़ी मैंडिबल पाए जाते हैं, और इनमें चलने के लिए, लोकोमोशन के लिए, इनमें थोरेक्स के ऊपर तीन जोड़ी वॉकिंग लेग्स होती है, और इसमें दो जोड़ी टू पेयर विंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ऑर्डर आर्थ्रोप्टेरा। ठीक है, आर्थ्रोप्टेरा में मेन कैरेक्टर है कि प्रथम जोड़ी, इसके जो पंख होते हैं वो सकड़े और लेदरी होते हैं। ठीक है, और जो दूसरे जोड़ी पंख होते हैं वो पतले और झिल्लीनुमा होते हैं, और इनके अंदर जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो चबाने वाले और पीसने वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जीनस पेरिप्लेनेटा है, और इसकी स्पीसीज जो है अमेरिकाना है। नेक्स्ट आता है हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट और हैबिटेट। तो कॉकरोच जो होता है, अंधेरे जो गर्म स्थान होते हैं और नम स्थान होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, और ये जैसे जनरली जैसे किचन में होटल बेकरीज होती हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, ग्रोसरी की शॉप्स होती हैं, सीवेज होता है, और जो जैसे भंडार गृह कहीं होंगे, गोदाम, जैसे शौचालय होंगे, सीवर होंगे, ऐसे स्थानों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली कॉकरोच जो होते हैं नॉक्टर्नल, मतलब रात्रिचर और सर्वाहारी ओमनिवोरस प्राणी होता है, और दिन के समय क्या होता है, ये अंधेरे में छुपे रहते हैं, और रात के समय भोजन की तलाश में इधर उधर दौड़ते हैं। दिन के समय दरारों में छिपे रहेंगे, लेकिन सिर्फ इनकी एंटीना जो होती है बाहर निकलती रहती है, और रात के समय इधर बिल्कुल सक्रिय हो जाएंगे, इधर उधर दौड़ लगाएंगे, और बहुत तेज दौड़ने वाले कर्सोरियल प्राणी, कर्सोरियल एनिमल होते हैं, और इनकी जो फ्लाइट होती है, उड़ान होती है, बहुत सीमित होती है। जब कभी खतरा होता है तब ये उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंप कर जाते हैं, और जब इनके पास कभी कुछ खाने के लिए नहीं होता है ना, तो ये जैसे घर में जो भी कागज, कपड़े, जूते, जो भी कोई वस्तु होती है उनको ये कुतर जाते हैं। तो और फ्लाइट जो है वो रेयरली, बहुत कम ये करते हैं। ओविपेरस होते हैं, और पेरेंटल केयर इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके एक्सटर्नल फीचर। ठीक है, कॉकरोच के बाह्य लक्षण क्या होते हैं, तो इसमें सबसे पहले शेप, साइज, कलर ऑफ कॉकरोच। ठीक है, तो बॉडी जो है नैरो है, सकड़ी, इलोंगेटेड, कंप्रेस्ड डोर्सो वेंट्रली एंड बाइलेट्रल सिमेट्री इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, मतलब संकरा, लंबा, प्रस्ट और प्रतिप्रस्ट से चपटा होता है, और इसकी जो लेंथ मेजर होता है 2-4 सेमी लेंथ होती है, और अबाउट 1 सेमी विड्थ इसकी होती है, और कलर जो होता है रेडिश ब्राउन होता है, और जो इसमें मेल और फीमेल होते हैं वो दोनों अलग अलग सेपरेट होते हैं, और जो मेल कॉकरोच होता है वो कुछ छोटा और अधिक चपटा होता, फ्लैट ज़्यादा होता है, और इसके ऊपर
दो डार्क पैचेस होते हैं जो कि चारों तरफ से लाइट ब्राउन मार्जिन से सराउंडेड कवर्ड सराउंडेड होते हैं, जो इसका फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट है वहाँ पर, ठीक है, डार्क कलर के दो डार्क पैचेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है अभी इसका एक्सोस्केलेटन, ठीक है, एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल। एक्सोस्केलेटन में पूरी तरह से इसकी बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है हार्ड ब्राउन कलर के एक्सोस्केलेटन से, और इसके एक्सोस्केलेटन का बाह्य कंकाल के जो हर एक सेगमेंट होता है उसके अंदर चार सेपरेट स्क्लेराइट से बना हुआ होता है, और ये जो चार स्क्लेराइट होते हैं वो बहुत ही नाजुक डेलिकेट और इलास्टिक आर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है, उससे आपस में ये चार स्क्लेराइट जॉइंटेड होते हैं, ठीक है। जो डॉर्सल साइड पे जो स्क्लेराइट होती है उसको बोलते हैं टर्जाइट, ठीक है, और वेंट्रल साइड पर जो स्क्लेराइट होती है उसको स्टरनाइट बोलते हैं, और जो लेटरल साइड में होती है उनको प्लूराइट्स कहते हैं, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन जो होता है उसमें स्ट्रोंग काइटिनस क्यूटिकल होती है जो कि इसकी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है, और जो वाटर लॉस होता है अननेसेसरी वाटर लॉस होता है उससे इसको बचाती है ये क्यूटिनस, इसकी जो क्यूटिकल है वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें सेगमेंटेशन या विखंडन, ठीक है, विखंडन जो है इसके अंदर इट शोज क्लियर कट सेगमेंटेशन इन इट्स बॉडी एक्सेप्ट द हेड, हेड के अलावा इसकी बॉडी में क्लियर कट सेगमेंटेशन मतलब बिल्कुल स्पष्ट विखंडन इसमें पाया जाता है। जो इसका थोरेक्स पार्ट होता है उसके अंदर तीन सेगमेंट पाए जाते हैं, और जो इसका एब्डोमन होता है उसमें 10 सेगमेंट पाए जाते हैं, जबकि जो इसका एम्ब्रियो होता है उसमें ये 11 होते हैं सेगमेंट एब्डोमन में, लेकिन एडल्ट में ये 10 ही रह जाते हैं, और इसका जो हेड होता है, ठीक है, वो 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट होते हैं, उनके फ्यूजन से इसका हेड बनता है, ठीक है। और जो इस तरह से इसकी टोटल बॉडी सेगमेंट जो होते हैं एम्ब्रियो में 20 होते हैं, लेकिन एडल्ट में ये 19 ही रह जाते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ बॉडी, शारीरिक विभाजन, ठीक है। तो इट्स डिवाइडेड इन क्लियरली डिविजिबल इनटू 3 रीजन, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन। तो कॉकरोच का जो शरीर होता है स्पष्ट रूप से 3 भागों में बटा हुआ होता है, सिर, वक्ष और उदर। तो सबसे पहले हेड हम लोग देखेंगे, हेड पार्ट, हेड, ठीक है। हेड जो होता है इसका कॉकरोच का सिर छोटा त्रिभुजाकार नाशपाती के आकार का होता है, और सिर जो होता है एक फ्लेक्सिबल सी सकरी नैरो ग्रीवा होती है, नेक होती है, उसके द्वारा इसके थोरेक्स पार्ट से समकोण पर 90 डिग्री के एंगल पर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, राइट एंगल पर जुड़ा हुआ होता है इसके थोरेक्स पार्ट से, ठीक है। और सिर जो होता है हेड होता है पूरी तरह काइटिनी जो क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल का इसमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, और इसको हेड कैप्सूल भी कहा जाता है, और इसका जो सिर होता है इसके एम्ब्रियोनिक जो 6 सेगमेंट हैं उनके फ्यूजन से बनता है, और हेड के ऊपरी जो डॉर्सल पार्ट है उसके ऊपर 2 कंपाउंड आईज संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं जो कि गहरे काले रंग के वृक्काकार किडनी वृक्काकार धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, और इसका जो हेड कैप्सूल होता है वो कई प्लेटों के मिलने से बनता है, ठीक है। तो ये जो है, और इसका जो हेड कैप्सूल जो होता है इज कॉल्ड द वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहा जाता है, और यंग जो कॉकरोच होता है उसके अंदर वर्टेक्स डिवाइडेड होता है इनटू इन्वर्टेड, जैसे वाई उल्टे वाई की शेप होती है ऐसे उल्टे वाई की शेप में होता है इसका,
इसमें देखिए, उल्टे वाई की शेप में यो, चलिए यो, उल्टे वाई की शेप में इसका वर्टेक्स पार्ट होता है, ठीक है। तो इसके मेन पार्ट जो हेड के हैं वो आप लोग देखिए, इसमें सबसे पहले इसका एपिक्रेनल, ये एपिक्रेनल पार्ट है, एपिक्रेनल प्लेट जिसे बोलते हैं अधिकपाल प्लेटिंग, जो सामने की तरफ वही उल्टे वाई के आकार के सुचूर सीवन के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और ये जो सुचूर होता है, एपिक्रेनियल सुचूर उसको बोलते हैं, और ये जो दोनों दो प्लेटें होती हैं उनको, दोनों प्लेटों को, दोनों एपिक्रेनल जो प्लेटें हैं इनको संयुक्त रूप से वर्टेक्स कहा जाता है। इसको आप लोग डायग्राम में देखो, ये देखिए, ये वर्टेक्स, दो एपिक्रेनल प्लेटें हैं, है ना, दोनों आपस में इस सुचूर पे, इस पे जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जुड़कर ये दोनों प्लेटें जुड़कर ये वर्टेक्स पार्ट बनाती हैं, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं फ्रॉन्स पार्ट, ये जो एपिक्रेनियल प्लेटों के ठीक नीचे ये ट्राइंगल शेप में है, ट्राइंगल शेप में त्रिभुजाकार एक बड़ी प्लेट पाई जाती है जिसको फ्रॉन्स कहते हैं, ठीक है, फ्रॉन्स। और फ्रॉन्स के जस्ट नीचे क्लाइपियस पाई जाती है, ये आयताकार प्लेट है, और जिसका इसका निचला हिस्सा होता है वो झिल्लीनुमा होता है, जिससे कि ये लेब्रम जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, लेब्रम पार्ट, क्लाइपियस से नीचे लेब्रम जुड़ा रहता है। और ये साइड में जो देख रहे हैं आप जेनी, ये एक जोड़ी प्लेटें होती हैं, तथा सिर जो हेड पार्ट है इसके दोनों पार्श्व तल पर ये पाई जाती हैं, और सिर पर संयुक्त नेत्र के पास में एक हल्के से रंग का छोटा सा क्षेत्र पाया जाता है जिसको ऑसिलर स्पॉट या ऑसिलर चिन्ह कहते हैं, और इसको सिंपल आइज भी कहा जाता है। और प्रत्येक जो ये कंपाउंड आइज के सामने एक लंबी पतली सेगमेंटेड एंटीना पाई जाती है, और एंटीना जो होती है वो तीन भागों से मिलकर बनती है, जैसे स्कैप जिसको प्रवृंत कहते हैं, पेडिसिल या व्रंत जिसे कहते हैं, और फ्लैजिलम या कशाब, ठीक है। तो ये है एंटीना की, एंटीना तीन पार्ट से मिलकर बना है, स्कैप, पेडिसिल और फ्लैजिलम। एक बार आप लोग वापस आप ये देखिए, क्लाइपियस मेन पार्ट हेड के थे, एपिक्रेनियल, एपिक्रेनियल प्लेट्स, फ्रॉन्स, क्लाइपियस, जेनी, ये मेन पार्ट इसके हेड के थे, ठीक है। अब आप लोग देखिए, ये इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच दिखा रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट मेल का डॉर्सल व्यू है, जिसमें हेड रीजन, फोर विंग्स ऑफ टर्जम, प्रोथोरेक्स, हाइंड विंग, फोर विंग, हाइंड विंग दोनों शो किए जा रहे हैं इसमें। आगे देखिए, सबसे पहले एंटीना, कंपाउंड आइज, ठीक है, प्रोथोरेक्स पार्ट, प्रोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स, अब ये फोर लेग यहाँ से, मेटाथोरेक्स पार्ट, फोर लेग यहाँ से निकलेंगे, मिडिल लेग, एब्डोमन पार्ट, हाइंड लेग, एनल स्टाइल, टेंथ टर्गम ये दिखाई दे रहा है। और ये जो ये डायग्राम है, ये है फीमेल का वेंट्रल व्यू इसमें दिखा रखा है, ये सेम इसमें आप लोग इसको
ड्रॉ कर लीजिए, हेड, एंटीना, माउथ पार्ट्स, कॉक्सा, फीमर, टिबिया, ये इसके जो अपेंडिजेस हैं उसके सारे सेगमेंट के नाम दे रखे हैं, कितने पार्ट से बनी हुई है, टिबिया, ट्रोकेंटर, टॉर्सस, क्लोज, मेटाथोरेक्स, ये सेवंथ टर्जम, ओविपोजिटर वॉल्व, एनालिस्टाइल, ये सब मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच के डायग्राम ये सामने हैं, एक साथ कंपैरिजन करने के लिए सामने डायग्राम शो किया गया है। नेक्स्ट ये फीमेल कॉकरोच है जिसके बाह्य संरचना दिखाई गई है, इसमें एनल सिराई दिखाए गए हैं जो कि मेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पे आते हैं, वही हम जो सिर का डॉर्सल पार्ट देख रहे थे, ठीक है, इसमें जो एंटीना होती है वो तीन पार्ट से बनी हुई होती है, स्कैप, पेडिसिल और फ्लैजिलम, और ये जो इसका फ्लैजिलम जो होता है वो भी सेगमेंटेड होता है, और ये एक सेंसरी ऑर्गन इसका है, और इसके ऊपर सेंसरी सीटा पाए जाते हैं इसके फ्लैजिलम पे। एंटीना का जो फ्लैजिलम पार्ट है उस पर बहुत से सेंसरी सीटा पाए जाते हैं जो कि कॉकरोच को स्पर्श की फीलिंग देते हैं, और इसका जो सिर है उसका जो नीचे की तरफ का नुकीला छोर होता है वहाँ पर इसका माउथ प्रेजेंट होता है, और इसका जो माउथ होता है वो माउथ पार्ट से घिरा हुआ रहता है, और इसके सिर की जो गुहा है वो एक बड़े ऑक्सीपिटल फोरामेन द्वारा ग्रीवा की गुहा से जुड़ी रहती है। सिर की गुहा एक बड़े से ऑक्सीपिटल फोरामेन मतलब रंध्र, ऑक्सीपिटल रंध्र के द्वारा ग्रीवा की गुहा से जुड़ी हुई रहती है। अब ये जो हेड का डॉर्सल दृश्य आप देख रहे हैं इसी के साथ में आप ये इसमें डायग्राम में देखिए पेरिप्लेनेटा का डॉर्सल व्यू इसमें दिखा रखा है, वर्टेक्स पार्ट, कंपाउंड आइज और भी ज़्यादा क्लियर हो रहा है, एंटीना में देखिए, एंटीना में स्कैप दिखाई दे रहा है, स्कैप, पेडिसिल और फिर ये फ्लैजिलम, और एंटीनल सॉकेट भी इसमें दिखाई दे रहा है, और ये ऑसिलर स्पोर्ट कंपाउंड आई के जस्ट नीचे, अभी मैंने आपको बताया था ऑसिलर स्पोर्ट या जिसको सरल नेत्र भी बोलते हैं वो इसमें शो हो रहा है डॉर्सल व्यू में, फ्रॉन्स, क्लाइपियस, लेब्रम इसमें दिखाई दे रहे हैं, और ये इसका वेंट्रल पार्ट भी इसमें दिखाया गया है, ये देखिए ऑसिपिटल फोरामेन, इधर जीना पार्ट, लेबियम, और ये ऑसिपुट है, ऑसिपुट, ये टेंटोरियल पिट है, और ये मैक्सिला दिखाई दे रहे हैं, और ये इसका लेटरल व्यू भी इसका आप लोग देख लीजिए, वर्टेक्स, कंपाउंड आइज, स्कैप, पेडिसिल और फिलामेंट, ये तीनों पार्ट लेटरल व्यू में इसके एंटीना के बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, स्कैप, पेडिसिल, फिलामेंट, तीन पार्ट बताए थे मैंने अभी आपको वो इसमें दिखाई दे रहे हैं जो कि एंटीनल सॉकेट है इससे निकल रहे हैं, इसके इधर में प्रोन्स पार्ट, क्लाइपियस, सीवेरियम, और इधर सर्वाइकल स्क्लेराइट, इधर ये नेक, जीना पार्ट, लेबियम, मैक्सिला, ये इसके, तो ये हैं इसके हेड के अलग अलग पार्ट के अलग अलग पार्ट्स इसमें दिखाए गए हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया, डॉर्सल व्यू, लेटरल व्यू, और ये लेटरल व्यू, डॉर्सल और डायग्राम आप लोग देख लीजिए इसमें, आई थिंक आपको शायद क्लियर हो गया होगा इसका, और नेक्स्ट जो इसके हैं सिर के उपांग जो हैं इसके अपेंडेजेस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर मैं आपको कर दूंगी। ये आपका इसके जो हेड रीजन जो था, हेड के ये पार्ट्स क्लियर हो गए, डायग्राम में आप लोग ये देख लीजिए और एक्सप्लेन मैंने इसको आपको कर दिया है। नेक्स्ट जो इसके सिर के और जो उपांग है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगा।